हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे चैनल में, कुकिंग चैनल में स्वागत है। तो मैं हूँ सुमा चटर्जी। मैं आप लोगों को बहुत एक अच्छी एक पंजाबी डिश राजमा बना के दिखाने जा रही हूँ। आप दो बड़ी कप, मतलब मैंने इसको राजमा लिया था, इसको 2 आवर तक भिगो के रखा था। ये 250 ग्राम राजमा है। तो और 2 आलू मैंने बारीक काट के रखी है, अब मैं इसको उबालूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसको अब उबालने के लिए दे देती हूँ और जो जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं राजमा में दूंगी 4 बड़ी प्याज दूंगी, इसको मैं बारीक काट लूंगी। आधी कैप्सिकम दी हूँ, उसको मैं बारीक काट लिए हूँ। और 2 रेड चिली हैं और ये 1.5 टमाटर है, इसको मैंने बारीक काट के रखी है। 1/2 इंच अदरक है, कुछ लहसुन की कलियाँ हैं। और मसालों में देख लीजिए, ये है राजमा मसाला है ये, और इसमें मैं दूंगी ये जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। ये है नमक, हल्दी और चिली पाउडर हमारे। और रेसिपी के लिए ये है सबसे राजा हैं, ये एक प्रिंस हैं। तो ये है क्या कहते हैं इसको, आपको पता है? इसको कहते हैं गरम मसाला। तो मैं ये सब इंग्रेडिएंट्स दूंगी, और प्याज को और लहसुन को और टमाटर को, अदरक को मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। तो पहले मैं टमाटर लहसुन और प्याज अदरक को पेस्ट कर लेती हूँ। राजमा को मैं सरसों के तेल से बनाऊँगी, तो मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच सरसों के बाद मैं इसमें दूँगी जीरा और तेज़पत्ता का तड़का दूँगी। जीरा दूँगी, तेज़पत्ता दूँगी। देने के बाद इसमें जो मैंने पेस्ट करके रखा था, लहसुन, प्याज, टमाटर, अदरक, कैप्सिकम, सबको एक साथ मैंने मिक्सी ग्राइंडर में पेस्ट कर लिया था। उसको मैं अब अच्छी तरह से फ्राई कर, तेल छोड़ चुका है ये मसाला, इसका मतलब अच्छी तरह से ये पक चुकी है। अब मैं इसमें दूंगी हल्दी, नमक और चिली पाउडर। सब कुछ स्वाद अनुसार दीजिएगा। उसके बाद धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, 2 हरी मिर्च दूंगी और ये राजमा का राजमा पाउडर है, ये फ्राई कर लूंगी। राजमा का जो मसाला मैंने दिया है वो है कोहिनूर का राजमा मसाला है, एक अच्छी रेसिपी है, इसको अपने घर पे आप ट्राई कर सकते हैं। इसको राजमा और चावल के साथ बहुत ही अच्छा एक डिश होता है। तो ये सिर्फ पंजाबी क्यों, हम लोग भी खाते हैं इसको बहुत चाव से। तो ये बहुत ही अच्छी डिश है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। देखिए मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें राजमा को इसमें दे दूँगी। मैंने राजमा के साथ आलू को भी उबाला है, इसलिए ये दोनों लाल ही बन जाएंगे हैं। बहुत अच्छी एक डिश है। तो देखिए बहुत एक अच्छी एक स्मेल आ रही है। और ये अदरक, प्याज और लहसुन, टमाटर, इसको पेस्ट करके ग्राइंड करके बनाने से इसका एक बहुत एक अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा बनता है। इसमें 1/2 कप पानी दीजिएगा। देने के बाद इसको 5 मिनट तक थोड़ी पकाइएगा, तो आपकी ये राजमा बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये राजमा बनके अब तैयार है। उतारने से पहले मैं इसको मिस्टर प्रिंस को, मतलब गरम मसाला को दे चले गए हैं। अब ये बहुत ही अच्छी एक डिश बनके तैयार हो चुकी है। तो मैं अब आपको सर्विंग बोल में दिखा के खाती हूँ, डाल के दिखाती हूँ कि है आज। तो मैंने आज लंच में बनाया है राजमा, चावल
और तूर की दाल। तो मेरी ये राजमा की ये करी बन के अब तैयार है। तो मैं ऊपर से थोड़ी सी गरम मसाला दे दूँगी और थोड़ी सी धनिया पत्ता और ऊपर से थोड़ी सी नींबू का रस, तो देने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। मेरी आज की ये रेसिपी राजमा और चावल बनके तो तैयार है। मेरे इस रेसिपी को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये बहुत एक अच्छी, एक बहुत ही डिलीशियस एक रेसिपी है। तो आप अपने घर पे बनाइए इसको, ये बना के खाइए, तो ये बहुत ही अच्छी एक डिश साबित होगी। तो तब तक के लिए मैं सुमा चटर्जी, मुझे आज्ञा दीजिए।